तो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो जानिए आज की ताजा अपडेट। वहीं पहली बड़ी खबर, अमित शाह का हमला, कहा ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट खिसकने का डर, बौखलाहट साफ दिख रही। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के वोटिंग से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने अर्धसैनिक बलों पर टिप्पणी को लेकर भी ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट खिसकने का डर सता रहा है, यही कारण है कि उनके चेहरे पर बौखलाहट साफ दिख रही है। इस दौरान अमित शाह ने बंगाल के वोटरों को समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। अमित शाह ने कहा कि राज्य की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, हमें उम्मीद है कि तीन चरण में हुए चुनाव में हम 63 से 68 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। बता दें कि तीन चरण में बंगाल में 51 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर, ममता समर्थकों पर बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप, तनाव की स्थिति। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पांचवें चरण के चुनाव से पहले राज्य में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच तनाव की स्थिति देखने को मिली है। पश्चिम वर्धमान जिले के कानकसा एरिया में बीजेपी के कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना हुई है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है, किसी भी अनहोनी को ध्यान में रखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात कर दिए गए। घटना को लेकर अधिकारियों ने बताया फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। इससे पहले टीएमसी के कार्यालय को निशाना बनाया गया था और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। टीएमसी के नेताओं ने इस घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने शुभेंदु अधिकारी को भेजा नोटिस, विवादित भाषण पर 24 घंटे में मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी को नोटिस जारी किया है। शुभेंदु अधिकारी पर आरोप है कि पिछले महीने दिए गए भाषण में कथित तौर पर उनका लहजा सांप्रदायिक है। शुभेंदु अधिकारी को 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। वहीं चुनाव आयोग के नोटिस में कहा गया, भाकपा माले की केंद्रीय समिति के सदस्य कविता कृष्णन की तरफ से शिकायत आई है, जिसमें आरोप लगाया गया 29 मार्च को अधिकारी ने नंदीग्राम में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान नफरत भरा भाषण दिया था। नोटिस में अधिकारी के भाषण के अंश का हवाला दिया गया, चुनाव होने वाला है, आप बेगम को वोट नहीं दे रहे हैं, अगर आप बेगम को वोट करेंगे तो यह मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, आपके क्षेत्र में दाऊद इब्राहिम आया है, हर चीज नोट करेंगे, सरकार क्या कर रही है। आयोग ने आदर्श आचार संहिता के दो प्रावधानों का हवाला दिया है। एक प्रावधान में कहा गया कि दूसरे राजनीतिक दलों की आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, अतीत के रिकॉर्ड और काम तक सीमित होगी। दूसरे दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों या मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर करने से बचा जाएगा। अगली बड़ी खबर, अनिल विज को हुई हरियाणा में किसानों को कोरोना से बचाने की चिंता, बोले वार्ता फिर शुरू करने को लेकर कृषि मंत्री को लिखूंगा पत्र। जी हां दोस्तों, देश के साथ ही हरियाणा में फिर से एक बार कोरोना तेजी से फैल रहा है। यहां चल रहे किसान आंदोलन को लेकर राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने गंभीर चिंता जताई है। विज ने कहा कि आज जब एक बार फिर कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, ऐसे में हरियाणा की सीमा पर किसानों का इतना बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है, मुझे आज जनता के साथ ही किसानों को भी कोरोना से बचाना है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिए मैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखने वाला हूँ, जिससे कि किसानों के साथ बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सके। अगली बड़ी खबर, अमित शाह का बड़ा दावा, बंगाल में तीन चरणों के चुनाव में 63 से 68 सीटें जीत रही भाजपा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा, ममता बनर्जी हार से बौखला गई हैं। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल में महिला सुरक्षा का बुरा हाल है। जी हां दोस्तों, वहीं अमित शाह ने दावा करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी तीन चरणों के चुनाव में 63 से 68 सीटें जीत रही है। यही नहीं, अमित शाह ने दावा किया कि भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लगातार हमला हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर विगत 2-3 दिनों में हमला हुआ। इन हमलों के खिलाफ टीएमसी के एक भी नेता ने टिप्पणी नहीं की। ये लोग मौन रहकर इशारा कर रहे हैं कि आप हिंसा करिए। जी हां दोस्तों, अमित शाह ने आगे कहा कि जिस तरह से दीदी ने अल्पसंख्यक वोटरों से अपील की है कि एकजुट हो जाइए और टीएमसी के लिए वोट करिए, ये बताता है कि शायद उनके अल्पसंख्यक वोट भी धीरे धीरे उनके खिसक रहे हैं, यहीं कहीं और जा रहे हैं, ये डर उनको सता रहा है। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने विकास के काम में बाधा उत्पन्न की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की योजना को धरातल पर लागू नहीं होने दिया। अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को बंगाल में लागू नहीं करने दिया, जिसकी वजह से बंगाल के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल सका।
अगली बड़ी खबर धीमे टीकाकरण पर राहुल गांधी का पीएम मोदी को पत्र, कहा देश में कमी लेकिन विदेशों को बांट रहे वैक्सीन। जी हां दोस्तों, देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच कांग्रेस ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर धीमा टीकाकरण करने का आरोप लगाया। टीकाकरण अभियान में सुधार को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में राहुल गांधी ने टीकों की कमी और धीमे टीकाकरण को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। साथ ही इन्होंने सरकार को कई सुझाव भी दिए हैं। पत्र में राहुल गांधी ने कहा, देश इस वक्त महामारी के दूसरे लहर से जूझ रहा है। हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर्स ने मिलकर कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाई है, लेकिन सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम को सही ढंग से लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि देश में टीकाकरण इतनी धीमी गति से हो रहा है, 75% लोगों को डोज देने में सालों का वक्त लगेगा। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि हम बिना किसी टीकाकरण के विदेशों में वैक्सीन की डोज बांट रहे हैं, जबकि हमारे देश में कई राज्यों में वैक्सीन की भारी कमी है। राज्य कई दिनों से टीके की कमी का मुद्दा उठा रहा है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गैर बीजेपी शासित राज्यों को निशाना बना रहे हैं। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद क्या किसान खाली करेंगे सड़कें, जानिए उन्होंने क्या कहा। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के कारण दिल्ली से विभिन्न राज्यों की लगने वाली सीमाओं पर सड़कें बंद हैं। दिल्ली से गाजियाबाद आने के लिए तो रास्ते खुले हैं, लेकिन दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़कों को एहतियात नहीं खोला गया है। आंदोलन के शुरुआती दिनों में नोएडा की सड़कें भी बाधित रहीं, जिसके खिलाफ एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। महिला ने कोर्ट से नोएडा और दिल्ली के बीच बिना प्रभावित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सड़कों को खाली कराने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सड़कों पर यातायात या मुक्त प्रवाह होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, विधानसभा के चौथे चरण की 44 सीटों पर थमा चुनावी शोरगुल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चौथे चरण में 5 जिलों की 44 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार अभियान शाम 5 बजे समाप्त हो गया। इन सीटों पर 10 अप्रैल को मतदान होगा। दक्षिण बंगाल के हावड़ा, दक्षिण 24 परगना, हुगली और उत्तर बंगाल के अलीपुर, द्वारपुर तथा कूच विहार में शुक्रवार को होने वाले चुनाव में 1,15,81,022 मतदाता 373 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला करेंगे। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जारी रहेगी सीबीआई जांच, सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिक जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार और देशमुख की याचिकाओं को खारिज कर दिया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर गृह मंत्री के रहते 100 करोड़ रुपए प्रतिमाह अवैध उगाही का आरोप लगाया था। 5 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई के मामले की प्राथमिक जांच का आदेश दे दिया। इसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अगली बड़ी खबर, बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती की रोड शो को नहीं मिली इजाजत, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को गुरुवार को शहर के बेहाला इलाके में अभिनेता और नेता मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक थाने के बाहर प्रदर्शन किया। बेहाला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। अभिनेत्री श्रावंती चटर्जी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। प्रसिद्ध बांग्ला अभिनेत्री और बीजेपी नेता चटर्जी ने कहा, कोलकाता पुलिस ने हमारे नेता मिथुन चक्रवर्ती को बिना किसी कारण के लिए प्रचार करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा, तृणमूल कांग्रेस हमें प्रचार करने से रोकने के लिए इस तरह के अलोकतांत्रिक कृत्यों से होने वाली हार से नहीं टाल सकती। क्या राज्य सरकार को सत्ता जाने का डर है? अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी ने दिए कोरोना से निपटने के लिए 5 मूल मंत्र। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस की खतरनाक वृद्धि को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना रोधी उपायों पर चर्चा की, साथ ही उन कठोर कदमों को सूचीबद्ध किया जिन्हें उन्होंने युद्ध स्तर पर ले जाने की जरूरत बताई। वहीं हमारा जोर माइक्रो कंटेनमेंट जोन नाइट कर्फ्यू पर होना चाहिए। कोविड कर्फ्यू के रूप में प्रचारित नाइट कर्फ्यू लोगों को इस बात के लिए अलर्ट करेगा कि एक महामारी चल रही है। हमें पॉजिटिविटी रेट को 5% से नीचे लाना होगा और मृत्यु दर को कम करना होगा। मौतों के आंकड़ों का विस्तार से विश्लेषण किया जाना चाहिए और हर पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हमें वैक्सीन की बर्बादी को रोकना है और उन शॉट्स को प्राथमिकता देनी है जिन्हें दिया जा रहा है। हमें 11 से 14 अप्रैल तक वैक्सीन फेस्टिवल का आयोजन करना चाहिए, जिसके दौरान हमें अधिक से अधिक पात्र लोगों को टीका लगाना चाहिए और टारगेट 0 वेस्टेज होना चाहिए। जी हां दोस्तों, ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए ठोस कदम उठाएं जो महामारी को लेकर बेहद लापरवाह हैं। राज्यों को सर्वदलीय बैठक आयोजित करनी चाहिए और राज्यपालों को भी शामिल करना चाहिए, जन जागरूकता अभियान होना चाहिए। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बेहद खतरनाक बताई जा रही है। हर दिन 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
गुरुवार को रिकॉर्ड 1.27 लाख नए मामले दर्ज किए गए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।